अब्बास अंसारी और उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, इन दोनों लोगों ने एक रिट पिटीशन फाइल की डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट में। वो डिमोलिशन ऑर्डर 2022 में आरबीओ एक्ट के तहत पास किया गया, जो सिटी मजिस्ट्रेट ने पास किया था। इनके अवैध निर्माण की दो मंजिला अवैध निर्माण इन्होंने कर रखा था, जिसकी नक्शा इन्होंने स्वीकृत नहीं करा रखा था। उस ऑर्डर को इन्होंने यहाँ चैलेंज किया और ये कहते हुए कि साहब अवैध हमारा नक्शा पास है और ये निर्माण अवैध नहीं है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी की गई और ये बताया गया वहाँ कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, जो कि माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जी और माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला जी के बेंच थी। और उन्होंने ये वहाँ पे कोर्ट को ये बताया गया कि साहब जो इन्होंने नक्शा आज तक स्वीकृत नहीं करा रखा है और जो ऑर्डर पास किया गया है आरबीओ एक्ट के तहत, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसकी अपील लाई करती है। कोर्ट ने इस राज्य सरकार की इस प्ली को माना और ये डायरेक्शन किया कि आप अपील फाइल करिए। उनकी तरफ से एक प्ली ली गई कि साहब जब तक हमारी अपील हम फाइल करेंगे और अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया जाए, हमारा निर्माण ना गिराया जाए। इस प्ली को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी आपको। और जो अब्बास अंसारी का मुकदमा, ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।